नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपको रूस और यूक्रेन तनाव का पूरा अपडेट देंगे, दुनिया भर में उसको लेकर क्या घट रहा है ये सब बताएंगे, लेकिन जल्दी से 50 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं। तनाव के बीच पहली बार रूस ने दिखाई न्यूक्लियर आइस ब्रेकर की ताकत, 3 मीटर तक बर्फ वाले मैदान में भी चलने की क्षमता, 40 साल में पहली बार कैमरे पर नजर आया रूसी आइस ब्रेकर। रूस यूक्रेन तनाव बढ़ाने वाली खबर, रूसी सेना का कई किलोमीटर लंबा काफिला दिखा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के लोगों में आक्रोश, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। रूस के साथ जारी तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों से की एकजुट होने की अपील। पुतिन की आठवीं धमकी के बाद अमेरिका ने बदली रणनीति, बाइडेन आज बुलाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक, यूक्रेन बॉर्डर के हालात पर अमेरिका लगातार कर रहा मॉनिटरिंग। अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बयान, बोले रूस ने हमला किया तो वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। G7 देशों ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ते सैन्य जमावड़े पर चिंता जताई, कहा रूस को भुगतने होंगे परिणाम। बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, बोले अगर रूस नहीं मानेगा तो उसकी कंपनियों की डॉलर तक पहुंच रोक दी जाएगी। लुहांस्क में जंग की तैयारियां तेज, स्थानीय निवासी आर्मी केंद्रों पर पहुंचकर कर रहे तैयारी, हथियार और वर्दी से लैस होकर जंग के मैदान में जाने की कर रहे तैयारी। डोंस्क और लुहांस्क में शरणार्थी रूस के वोरोनिस शहर पहुंचे, ट्रेन से की यात्रा। युद्ध की आशंका के चलते डोनबास से भी लोगों का पलायन, बसों के जरिए पहुंचे रूस। ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान, वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी में है रूस। पुतिन और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात जारी, युद्ध टालने पर हो रही चर्चा। पश्चिम देशों की रूस के खिलाफ एक्शन को लेकर हो रही है चर्चा, हमले की सूरत में यूक्रेन को दी जा सकती है सैन्य सहायता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा दुनिया की ताकतें पुतिन को बातचीत के लिए तैयार करें, यूक्रेन हमेशा कूटनीति के रास्ते पर चलता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने म्यूनिख में पश्चिम देशों से ठीक मदद ना करने के लिए जताई नाराजगी, बोले युद्ध शुरू होने के बाद नहीं संभलेंगे हालात। लुगांस में नाकाम की गई कार बम धमाके की साजिश, ब्रिज के पास कार में रखा गया था विस्फोटक। डोनेस्क में अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के मंत्री के साथ सेना के जवान बाल बाल बचे, ग्रेनेड हमले के दौरान भागकर बचाई जान। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी टैंक का मूवमेंट जारी, बेलगोरोड में देखे गए रूस सेना के आर्मर टैंक, बॉर्डर पर रूस अभी भी बढ़ा रहा है सैन्य जमावड़ा। डोनेस्क में फिर आई फायरिंग की तस्वीरें, यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्स पर डोनेस्क में 17 और लुहांस्क में 49 बार समझौते के उल्लंघन का आरोप। यूक्रेन ने रूसी सेना पर लगाया गोलीबारी का आरोप, कहा पिछले 24 घंटे में 136 बार हुई फायरिंग, 116 बार मिंस्क समझौते को तोड़ते हुए घातक हथियारों का हुआ इस्तेमाल। इसराइल ने सैटेलाइट से किया बड़ा खुलासा, पिछले 4 दिन में यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस ने भारी संख्या में तैनात की फौज, टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स का भी लगा जमावड़ा। कीव के स्थानीय लोग यूक्रेन सेना की मदद के लिए आगे आए, टेरिटोरियल डिफेंस एक्सरसाइज में ले रहे हैं हिस्सा। डोनेस्क में अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना पर हमले किए तेज, युद्ध की आशंका के चलते लोग कर रहे पलायन, डर के माहौल से पलायन करते दिखी लोगों की भारी भीड़। यूक्रेन के रियल वॉर जोन में पहुंचा TV9 भारतवर्ष, बॉर्डर के खार्किव शहर पर पहुंचकर ताजा हालात का लिया जायजा, खार्किव से कुछ ही दूरी पर रूस के बेलगोरोड में भारी सेना का जमावड़ा। खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों को नोटिस, बॉब ट्रेड एडुकेशन ग्रुप ने छात्रों से घर जाने को कहा। यूक्रेन रूस बॉर्डर के आखिरी गांव में पहुंचा TV9 भारतवर्ष, जंग के डर से गांव में पसरा है सन्नाटा, हमले के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। रूस यूक्रेन की फेंसिंग लाइन के करीब पहुंचा TV9 भारतवर्ष, सीमा पर रूस की तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता दिखाई दिया। यूक्रेन के खार्किव में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे युवा, ट्रेनिंग के लिए युवाओं की कतारें दिखी। जंग के हालात में बॉर्डर पर यूक्रेन ने भी तैयारी बढ़ाई, बॉर्डर पर लगातार जरूरी सामान भेज रहा यूक्रेन, ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी।
यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने पहुंचाई मालगाड़ी, सैकड़ों टैंक के साथ अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद। रूस यूक्रेन सीमा पर शहरों में ठप हुआ आम जनजीवन, वीरान पड़े कई कैफे। रूस के ब्रयांस्क इलाके में देखिए इस्कंदर मिसाइल, रूस यूक्रेन के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है यह क्षेत्र। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों के हमले में यूक्रेनी सेना के 2 जवानों की मौत, 4 घायल। अलगाववादियों का दावा, यूक्रेन के हमले में डोनेस्क में वाटर पाइपलाइन टूटी। रूस ने यूक्रेन की सीमा से लेकर समंदर तक युद्धाभ्यास के नाम पर हड़कंप मचाया। फाइटर TU-95MS से दागी मिसाइल सबमरीन कैरोलिना ने भी दिखाई ताकत। न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद बोले पुतिन, कहा जरूरत पड़ी तो रूस एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरे देशों के मुकाबले रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर फोर्स। वॉर प्रैक्टिस के नाम पर परमाणु और घातक हथियारों से शक्ति प्रदर्शन कर रहा रूस। अपनी परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर नेटो को दी चेतावनी। रूस का आरोप, यूक्रेन की तरफ से दागे गए गोले रूस की सीमा में गिर रहे हैं, रूसी मीडिया ने उकसाने वाला कदम बताया। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन की आर्मी भी अलर्ट मोड पर, फ्रंटलाइन पर की होविट्जर तोप समेत आधुनिक हथियारों की तैनाती। रूस समर्थक अलगाववादी नेता डेनिस पुशलिन ने अपने लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार और एकजुट होने का आदेश दिया। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में अलगाववादी सरकार के प्रमुख हैं डेनिस पुशलिन। यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच गोलाबारी जारी, यूक्रेन के एक सैनिक की मौत की खबर। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, अलगाववादियों ने 20 से अधिक इलाकों में रॉकेट दागे हैं। डोनेस्क से सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। लोग जरूरी सामान लेकर शिविरों में जा रहे हैं। लुगांस्क इलाके में हो रही भयंकर गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में नुकसान के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम तेज। सभी लोगों को रूस अपने यहां शरण देने वाला है। यूक्रेन के लुगांस्क से भी 25,000 लोगों ने छोड़ा घर बार। रूस के रोस्ताव रीजन में कर रहे पलायन, रूस ने यूक्रेन पर लगाया था लुगांस्क में नागरिकों पर गोलीबारी का आरोप। डोनबास में बिगड़ते हालात के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव भी अलर्ट। कीव में इमरजेंसी की सूरत में पानी, बिजली, हीटिंग और टेलीकॉम सेवा की आपूर्ति बनाए रखने का प्लान तैयार है। यूक्रेन के साथ गंभीर टकराव के बीच रूस का बड़ा फैसला, शरणार्थियों के लिए खोले 15 बॉर्डर, पूर्वी यूक्रेन से लगी सीमाओं को खोला। लुहांस्क के अलगाववादी नेता लियोनिद पाश्चनिक ने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को रूस जाने की सलाह दी। 18 से 55 साल के लोगों से की युद्ध में शामिल होने की अपील। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा, रूस ने यूक्रेन के सीमा से सटे हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात किया। पुतिन ने मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए कीव अधिकारियों को डोनबास के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी होगी। और अमेरिका और नेटो देश लगातार यूक्रेन को मजबूत बनाने में जुटे। नीदरलैंड यूक्रेन को मॉडर्न स्नाइपर राइफल और हेलमेट की सप्लाई कर रहा है। माइंस की पहचान करने के लिए भेजेगा रोबोट। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।